أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। केजी सीनियर के तमाम बच्चे बच्चियों को मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ताइफ की वर्चुअल लर्निंग सिस्टम ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। क्या हाल है बच्चों, सब ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपना सबक नंबर 30 करेंगे और उर्दू में हम कायदे की पढ़ाई करेंगे सफा नंबर 25 दोबारा से। फिर हमने नज़म जो की थी काले बादल उसको दोबारा से दोहराएंगे। अमली किताब में हम करेंगे सफा नंबर 46 और मैं हूँ आपकी टीचर इमराना खुर्शीद। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले अपना कायदा खोलें। यह है आपका कायदा और इस कायदे के सफा नंबर 25 को खोलें। ये हमने आधा हिस्सा एक पैराग्राफ कल की क्लास में पढ़ा था, आज हम इसका बाकी हिस्सा पढ़ेंगे। चलें शुरू करते हैं। पहले कल वाला रिवाइज कर लेते हैं, दोहराई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदा, बचा, बड़ा, कहा, गया, दिया, गिरा, गिजा, बुला, दुआ, खुदा, सुना, अदब, असर, कलम। फिर ये जुमले हैं, बाप का अदब कर, खुदा से दुआ कर, बारिश का हाल सुना। ये बच्चों जो नीचे के दो पैराग्राफ हैं इनको हम अब आज पढ़ेंगे। ये देखे सफा नंबर 25 के नीचे के दो पैराग्राफ। इसमें हम अलिफ की आवाज एक और तरह से पढ़ेंगे। जबर जब किसी हर्फ पर हो और उसके बाद वाव हो तो उसकी आवाज आओ जैसी होती है, ओ। ठीक, वैसे तो आ होते हैं लेकिन जब वाव के साथ होती है तो ये आओ की आवाज देती है। अलिफ जबर वाव ओ, गैन जबर वाव ओ, काफ जबर वाव को, दाल जबर वाव दो, आओ गाओ काओ दो। और ये देखिए अलिफ जबर वाव ओ ओ र, और गैन जबर वाव गो र गौर, काफ जबर वाव को मीम कौम, दाल जबर वाव दो रे दौड़। ये बात समझ लें कि जबर जब पहले हर्फ पर हो और बाद में वाव हो तो इसकी आवाज अ अ जैसी होती है, अ गो को दो। ये दो हर्फी लफ्ज और फिर तीन हर्फी लफ्ज में कैसे बनेगा, और कौम दौड़। ये सिर्फ वाव की वजह से ऐसा है। ठीक है, जबर वाव हो जौद होज। अब इन अल्फाज के हम जुमले देखते हैं। कौम की बात कर, कौम की बात कर, काफ़ा को मीम कौम, काफ छोटिया की बेली बात के बाद काफरे कर, कौम की बात कर। फिर है कौम की बात सुन। कौम क्या होते हैं, बहुत सारे लोग जो एक मुल्क में रहते हैं उसको कौम कहते हैं। दौड़ कर जा, हौज, ये हौज होता है जो पूल होता है उसको हौज कहते हैं। हौज से पानी ला। फिर से देखें, अलिफ जबर वा ओ, गैन जबर वा गो, काफ जबर वा को, दाल जबर वा दो, और गौर कौम दौड़। हौज कौम की बात कर,
कॉम की बात सुन, दौड़ कर जा हौज से पानी ला। अब हम नीचे पढ़ेंगे, ये देखिए आम का जूस, पसंद है आम का जूस आप लोगों को। अब हम पेश के साथ, अभी हमने वाव को अलिफ जबर के साथ या जबर के साथ वाव को पढ़ा, अब हम पेश के साथ वाव को पढ़ेंगे। पेश किसी भी हर्फ के ऊपर हो तो वो वाव के साथ कैसी आवाज देगा, ये बनेगा उ, बे पेश वाव बू, ते पेश वाव तू, दाल पेश वाव दू, जौत पेश वाव दू, बे पेश वाव बू, अरे बूर, दाल पेश वाव दू, अरे दूर, वाव पेश वू, दाव पेश दू, वू दू, बू तू दू दू, बूर दूर वुजू, ये इसके जुमले हैं। दूर मत जा, दूर मत जा, दौड़ कर आ, दूर मत जा, दौड़ कर आ, फिर से पढ़ें, दूर मत जा, दौड़ कर आ। और जो नीचे जुमला, आम का जूस पी, आम का जूस पी, फिर से पढ़ते हैं, बे पेशवा बू, ते पेशवा तू, ध पेशवा दू, स्वाद पेशवा जू, बे पेशवा रे बूर, दाल पेशवा रे दूर, वाव पेश स्वाद वाव दू वुदू, दूर मत जा, दौड़ कर आ, आम का जूस पी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सफ़ा हमारा पूरा हुआ। थोड़ा सा बच्चों मुश्किल है, लेकिन जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे और हिज्जा करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी कोई मुश्किल हुई तो वीडियो दोबारा चला के आप लोग दोबारा से पढ़ाई कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के नए सबक की तरफ। ये बच्चों, आपने अपने कॉपी पर मुख्तलिफ रंग बनाने हैं और फिर इनके नाम लिखने हैं। देखें ये कौन कौन से रंग हैं, आप मुझे बताएं। इंग्लिश में तो सबको पता होगा, ये रेड है, ये ब्लैक है, ये ग्रीन, ये ब्लू और ये येलो। लेकिन आज हम उर्दू में रंगों के नाम, इनको कहते हैं रंग, रंगों के नाम। ये क्या रंग है उर्दू में? लाल। ये क्या रंग है उर्दू में? काला। ये है हरा, ये है नीला और ये है पीला। बच्चों ये आप लोगों ने अपनी कॉपी पे बनाना है, फिर रंग भरना है और फिर इनके नाम लिखने हैं। चलें देखें नाम कैसे लिखेंगे। लाल, लाल कैसे लिखते हैं? लाम अलिफ ला, लाम लाल, लाम अलिफ ला, लाम लाल। फिर है हरा, हे रे अलिफ रा, हरा, हे रे अलिफ रा, हरा। फिर है काला, काफ अलिफ का, लाम अलिफ ला, काला। बोले काला, काफ अलिफ का, लाम अलिफ ला, काला। फिर है नीला, नून ये नी, लाम अलिफ ला, नीला। और फिर है पीला, पे ये पी, लाम अलिफ ला, पीला। फिर से बच्चों रंगों के नाम मेरे साथ पढ़ें। लाल, हरा, काला, नीला, पीला। अच्छे से उर्दू में रंगों के नाम याद करने हैं और कॉपी पे बनाकर उनको रंग भरना है, फिर इन रंगों के नाम अच्छी सी लिखाई में लिखने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं, आपका उर्दू की अमली किताब सफा नंबर 46। ये वाली किताब खोलें और सफा नंबर 46 खोलें।
ये है आपका सफा नंबर 46। खोल लिया बच्चों सबने। अब इस सफे में आप ये खाली जगह पूर करेंगे। ये सवाल है, ये देखें ये क्या है, ये बना हुआ है मुर्गी और ये जुमला है, ये एक डैश है। ये मुर्गी जो है आपने इस जगह पर लिखना है। अभी को अभी पेंसिल लें और अमली किताब का काम अभी मेरे साथ करें। ये दूसरा है, ये मेरी डैश है, ये क्या बनी हुई है, फ्रॉक, और ये लिखा हुआ है फ्रॉक। ये फ्रॉक आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है, ये मेरी फ्रॉक है। फिर नंबर तीन पे है, ये एक छोटा डैश है, ये क्या है बच्चों, जहाज लिखे, ये लिखा हुआ है जहाज, तो फिर आपने यहाँ पर जहाज लिखना है। फिर नंबर चार पे है, मेरे पास एक छोटी सी डैश है, ये देखें गुड़िया, ये गुड़िया बनी हुई है, ये गुड़िया लिखा हुआ है, यहां से गुड़िया इधर लिखना है आपने इस जगह पर। फिर है ये नंबर पांच पे, डैश लाल रंग का है, यानी गुब्बारा, आप लोगों ने क्या लिखना है, गुब्बारा। अब इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। ये है, खाली जगह पूर करें और साथ में एक्टिविटी भी है, तस्वीरों में रंग भी भरना है। ये जो सब तस्वीरें हैं मुर्गी की, इसमें आपने तस्वीरों में रंग भी भरना है, बहुत मजे का काम होगा। तो अभी आप लोग सिर्फ लिखाई कर लें और बाद में फारिग वक्त में रंग भर लेगा। ये एक मुर्गी है, ऐसे लिखना है मुर्गी। वैसे तो ऊपर भी लिखा हुआ है, आप वहां से देख के लिख सकते हैं, लेकिन आप ब्लैंक में इस तरह मुर्गी लिखेंगे। फिर है, ये मेरी फ्रॉक है, फिर रियली फ्रॉक का फ्रॉक, देखिए ऊपर भी लिखा है फ्रॉक। फिर है, ये एक छोटा जहाज है, देखिए जहाज ऊपर भी लिखा है और ये नीचे आपने इस खाली जगह में लिखना है। नंबर चार है, मेरे पास एक छोटी सी गुड़िया है, मेरे पास एक छोटी सी गुड़िया है। और नंबर पांच पे है, डैश लाल रंग का है, गुब्बारा लाल रंग का है। अब गुब्बारे में तो आप लाल ही रंग भरेंगे, बाकी गुड़िया, जहाज, फ्रॉक, मुर्गी, उसमें जो भी आपका दिल चाहे वो रंग भरें, और फिर होमवर्क में तस्वीर भेजिएगा। ठीक है, कितना आसान काम है, अभी लिख ले मेरे साथ तो बहुत अच्छी बात है। मैं दोबारा बोल देती हूँ आपको, लिखते जाएं। सबसे पहला क्या है, ये एक मुर्गी है, फिर ये मेरी फ्रॉक है, ये एक छोटा जहाज है, मेरे पास एक छोटी सी गुड़िया है, गुब्बारा लाल रंग का है। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप सब लोगों ने ये वर्ड्स लिख लिए होंगे, सारे अल्फाज, अपनी किताब का काम कर लिया होगा, बस बाद में आराम से फारिग वक्त में रंग भरिएगा। अब बच्चों हम अपनी नजम दोहराते हैं, उम्मीद है याद कर ली होगी, अगर याद नहीं की तो आज अच्छे से दोबारा याद करें। काले बादल आएंगे, आकर में बरसाएंगे, नीले लोग नहाएंगे, काले बादल आएंगे, मी बरसेगा टप टप टप, मी बरसेगा टप टप टप, सास बजेगा टप टप टप, सास बजेगा टप टप टप, हम नाचेंगे गाएंगे, हम नाचेंगे गाएंगे, काले बादल आएंगे, काले बादल आएंगे।
बुलबुल गाना गाएगी, कोयल राग सुनाएगी। बुलबुल गाना गाएगी, कोयल राग सुनाएगी। मेंढक भी चराएंगे, मेंढक भी चराएंगे। काले बादल आएंगे, काले बादल आएंगे। आप सबने नजम अच्छे से सुनी। चले अब आपका घर का काम। आप लोग कायदे का सफा 25 पूरा 2-3 बार उसकी पढ़ाई करें। नजम आपने जबानी याद करनी है और रंगों के नाम कॉपी पर लिखने हैं। उन रंगों को कोई भी एक शक्ल बनाकर, कोई भी शेप बना के उसका उसमें रंग भरे, फिर उसी रंग से उस रंग का नाम लिखें। ठीक, नीले को नीले रंग से लिखें, पीले को पीले रंग से, लाल को लाल रंग से, काले को काले रंग से और हरे को हरे रंग से। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले सबक में। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ताला खुशाबाद रखे। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।